बोन्स है उनका फ्रिक्शन रोकता है, तो उस साइनोवियल फ्लूइड में हाइलुरोनिक एसिड रहता है। इट इज प्रेजेंट इन द कनेक्टिव टिश्यू, जो एनाटोमी का लेक्चर पढ़ा था ना, टाइप्स ऑफ टिश्यू, इसमें कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू था, उस कनेक्टिव टिश्यू में हाइलुरोनिक एसिड रहता है। इट इज मेनली एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बेंट एंड अ लुब्रिकेंट इन द जॉइंट। लुब्रिकेंट मतलब जो जॉइंट है उसको एक दूसरे के ऊपर वो घिसने नहीं देता, समझा? हाइलुरोनिक एसिड। यस मैम। ओके, नेक्स्ट है हिपेरिन। इट इज अ एंटी कोगुलेंट। एंटी कोगुलेंट मतलब जो ब्लड क्लॉट होने से रोकता है, उसको एंटी कोगुलेंट बोला जाता है। चाहिए तो मीनिंग्स लिख के ले लो। इट इज प्रेजेंट इन अ लंग, लीवर, किडनी। तो ये सारे ऑर्गन्स में हिपेरिन रहता है, जो शुगर है। हिपेरिन हेल्प इन अ रिलीज ऑफ द एंजाइम लाइपेज। ये जो एंजाइम हमारे पैनक्रियाज में रहते हैं उसको रिलीज रिलीज करने का काम हिपेरिन करता है। हिपेरिन कंसिस्ट ऑफ द टू अल्टरनेटिव यूनिट्स ऑफ, मतलब हिपेरिन के अंदर क्या क्या रहता है, एन सल्फो ग्लूकोज अमीनो सल्फेट एंड ग्लूको यूरोनेट सल्फेट। अमीनो एसिड भी रहता है, अमीनो सल्फेट शुगर भी रहती है, और यूरोनेट सल्फेट भी रहता है हिपेरिन के अंदर। जैसे आप स्ट्रक्चर में देखा जैसे अब यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखा ना कि जो स्ट्रक्चर है वो दो चीजों से बना है, एक तो अमीनो शुगर और दूसरा यूरोनिक एसिड। वैसे हिपेरिन में दो अल्टरनेट यूनिट रहते हैं, एक एन सल्फो ग्लूकोज अमीन अमीन अमीनो सल्फेट और दूसरा ग्लूको यूरोनेट सल्फेट। फिर उसका यूज कहाँ पे होता है? इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, रिएक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आर तो नीचे हमें टेस्ट दी है कार्बोहाइड्रेट की। यहाँ तक समझा सबको? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, कितने यस मैम। तो अभी क्या है, लाइक आपके ब्लड में शुगर है, ये कैसे डिटेक्ट करोगे आप? तो उसके लिए बायोकेमिकल टेस्ट है, उस टेस्ट को बायोकेमिकल टेस्ट बोला जाता है बेसिकली। तो ये टेस्ट लैब में होते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपका ब्लड सैंपल लेते हैं और फिर वो लैब में टेस्ट करते हैं और फिर डिटेक्ट करते हैं कि ब्लड में कौन सी शुगर है कौन सी नहीं है। तो उसको ही बोला गया है इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, रिएक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। तो हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो एज ऑफ दैट इसमें केमिकल रिएक्शंस होंगे। तो कार्बोहाइड्रेट यूज इन द लैब फॉर द टेस्ट, तो कौन सी टेस्ट होती है? ग्लूकोज को डिटरमाइन करते हैं और डायबिटिक मेलेटस, फ्रुक्टोज को भी डिटरमाइन करते हैं, सुक्रोज, लैक्टोज और स्टार्च। ये पांच शुगर को हम लोग लैब में देख सकते हैं, मतलब इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। तो फर्स्ट है मॉलिश टेस्ट। ये बेसिक टेस्ट है कि आपके सॉल्यूशन में या फिर आपके ब्लड में ग्लूकोज है कि नहीं, कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, ये देखने के लिए मॉलिश टेस्ट यूज कर। इट इज अ जनरल टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या फिर अब्सेंट है, ये देखने के लिए ये मॉलिश टेस्ट करते हैं। तो इसका प्रोसीजर लिखा है, इट इज अ नॉन स्पेसिफिक टेस्ट। नॉन स्पेसिफिक मतलब इतना रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आता। तो पहले प्रोसीजर में क्या करेंगे, 2 ml ऑफ अननोन सैंपल, जैसे कि ब्लड सैंपल हो सकता है जिसमें हमें पता नहीं उस ब्लड सैंपल में क्या कौन से शुगर है कि नहीं है। फिर उसमें 2 drops ऑफ द अल्फा, 10% अल्फा नेफ्थिलोन डालेंगे, उसको मिक्स करेंगे। ये केमिकल है, अल्फा नेफ्थिलोन एक केमिकल है जो हम लोग ब्लड सैंपल में डालेंगे, उसको मिक्स करेंगे। फिर एड 2 ml ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, उसको ही H2SO4 बोला जाता है। फिर हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, रेड वॉयलेट रिंग इज फॉर्म
विच इंडिकेट अ प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट. वॉयलेट रिंग जो होती है फॉर एग्जाम्पल, देख सकते ना, इमेजेस है मेरे पास, एक मिनट. देखिए सबको, आप अच्छा ऐसे नहीं दिखती है, उन्होंने मुझे हटा के दिया कोर्ट से. सर आप मुझे होस्ट बना दीजिए ना, तो मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ. एक सेकेंड ना, स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही है, कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है. मैं मीटिंग लीव करके वापस रिजॉइन करती हूँ. सोनाली मैम, आई एम मेकिंग यू द होस्ट. ओके, मेक होस्ट कर रहे थे. यस मैम, यू आर द होस्ट, प्लीज चेक. दिन दिख रही है सबको? दिन दिख रही है सबको? दिख रहे हैं वो जो मॉलिश टेस्ट हम लोग करने. हाँ, तो अगर वो मॉलिश टेस्ट पॉजिटिव आया, मतलब शुगर प्रेजेंट है, तो ऐसे पर्पल कलर का रिंग दिख, जो रिंग दिख
तुझे ये रिंग दिख रहा है पर्पल कलर का, इसे बीच में दिखता है सॉल्यूशन के। हेलो सॉरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम आ रही है। हाँ तो ये पॉजिटिव टेस्ट है, मतलब आपके सॉल्यूशन में ग्लूकोज जो है वो प्रेजेंट है, जैसे पर्पल कलर का रिंग आपको दिखेगा। और ये जो दूसरा वाला है जस्ट प्लेन सैंपल जो है ये नेगेटिव है, मतलब आपके सॉल्यूशन में शुगर अब्सेंट है। प्रेजेंट कब रहेगा? जो पर्पल कलर का रिंग रहेगा तब। समझा मॉली टेस्ट? यस मैम। तो मॉलिश टेस्ट एक बेसिक टेस्ट है ये देखने के लिए कि आपके सॉल्यूशन में शुगर है कि नहीं, अब्सेंट या प्रेजेंट, बस इतना ही बताता है, कौन सा टाइप है वो नहीं बताता। फिर उसका प्रिंसिपल दिया है H2SO4 जो एसिड है ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट टू मोनोसैकेराइड। अभी एसिड क्या करेगा? जो शुगर है उसको ब्रेक डाउन करेगा, किसमें ब्रेक डाउन करेगा और क्या बनाएगा? मोनोसैकेराइड बनाएगा। मोनोसैकेराइड गेट डीहाइड्रेट टू फॉर परफरल विच देन रिएक्ट टू अल्फा निक्टोलन। जो मोनोसैकेराइड है वो डिहाइड्रेट हो जाएंगे और टूटेंगे, और वो किसके साथ रिएक्ट करेंगे? अल्फा नेप्टोलन। अल्फा नेप्टोलन एक इंडिकेटर होता है, एक कलर देता है मोनोसैकेराइड को, जस्ट कलर देता है कि मोनोसैकेराइड प्रेजेंट है, इसी वजह से वो हमें पर्पल कलर का रिंग दिखता है। समझा मॉलिश टेस्ट सबको? यस मैम। फिर नेक्स्ट है आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट कब करेंगे? स्टार्च के लिए। तो पॉलीसेकेराइड स्टार्च कंबाइंड विद आयोडीन टू गिव ब्लू ब्लैक कलर, वाइल ग्लाइकन्स गिव रेड कलर विद द आयोडीन। तो हमारे सॉल्यूशन में स्टार्च शुगर प्रेजेंट है कि नहीं ये देखने के लिए हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, तो कौन सा कलर बनेगा? ब्लू ब्लैक कलर बनेगा। और अगर ग्लाइकोजन रहा, ग्लाइकोजन शुगर रही, तो रेड कलर रहेगा आयोडीन का, आयोडीन के साथ मिक्सअप होने के बाद रेड कलर जनरेट होगा। तो ये डिफरेंस याद रखना, पोटैटो स्टार शुगर रही तो ब्लू ब्लैक कलर आता है, और ग्लाइकोजन शुगर रही तो रेड कलर आता है। फिर नेक्स्ट है बेनेडिक टेस्ट। तो इट इज यूज फॉर द आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर क्या है वो एक्सप्लेन करती हूँ मैं आगे, पहले प्रोसीजर समझिए। जिसमें हम क्या करते हैं 5 ml ऑफ बेनेडिक सॉल्यूशन लेते हैं जो ब्लू कलर का रहता है ऑलरेडी। जब आप हम लैब में जाके जब ये टेस्ट करेंगे ना, मैन्युअली परफॉर्म करेंगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा। अभी के लिए जस्ट समझ के ले लो कि कैसे किसमें क्या ऐड करते हैं। तो उसमें हम लोग 5 ml बेनेडिक सॉल्यूशन लेते हैं विच कंटेन कॉपर सल्फेट सोडियम साइट्रेट सॉल्यूशन सोडियम कार्बोनेट। तो जो ये बेनेडिक सॉल्यूशन है वो तीन केमिकल से बनता है, कॉपर सल्फेट सोडियम साइट्रेट और सोडियम कार्बोनेट से बनता है। तो उस बेनेडिक सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, 8 ड्रॉप्स ऑफ अननोन सैंपल, जो सैंपल है हमारे पास वो डाल देंगे। कितने ड्रॉप्स डालेंगे? 8 ड्रॉप्स ही डालेंगे। फिर मिक्सअप कीप इट इन अ बॉइलिंग वाटर बाथ फॉर 5 मिनट्स। बॉइलिंग वाटर बाथ पे भी रख सकते हैं या फिर बॉइल भी कर सकते हैं उसको हम लोग फ्लेम के ऊपर। तो जो उसका रिजल्ट आएगा अ ग्रीन येलो ऑरेंज रेड स्पेसिपिटेड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द रिड्यूसिंग शुगर। तो जो ये कलर है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। अगर जो ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत कम है, बहुत ही ज्यादा कम है, तो पहले ग्रीन कलर आएगा, फिर उससे थोड़ा ज्यादा है, जैसे कि अगर 2% कॉन्सेंट्रेशन है तो ग्रीन कलर आएगा, 4% कॉन्सेंट्रेशन है तो येलो कलर आएगा, 6% कॉन्सेंट्रेशन है तो ऑरेंज कलर आएगा, या फिर और ज्यादा 10-12% है तो रेड कलर आएगा। तो जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा कलर चेंज होता जाएगा। बट ये चारों कलर भी आ गए आपको, इट्स मीन्स रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट, उस सैंपल में रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है। फिर उसका प्रिंसिपल दिया है रिड्यूसिंग शुगर रिड्यूस क्यूप्रिक आयन। रिड्यूस मतलब जो आयन्स है उनके साथ, क्यूप्रिक आयन्स जो है उनके साथ कंबाइन होके केमिकल रिएक्शन बनाती है, करती है ऑफ कॉपर सल्फेट टू क्यूप्रस आयन।